जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार, फटाक से जाके सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए। सो आज हम एक कमाल के ड्रामा की बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी हीरोइन को अपनी ही बहन के हस्बैंड से शादी करनी पड़ जाती है, और वो भी अपनी फैमिली के लिए। लेकिन शादी से पहले उसे पता नहीं होता है कि वो अपने बहन के हस्बैंड के साथ ऑलरेडी वो नेट स्टैंड कर चुकी है। जैसे ही ये बात उसे मालूम पड़ती है, वो उससे दूर रहने के लाख बहाने ढूंढने लग जाती हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि हमारे हैंडसम हीरोज की बहन से प्यार करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तो ऐसे ही कुछ सीन यहाँ पर भी हो रहा था। सो कहानी की शुरुआत हमारी खूबसूरत सी हीरोइन सारा की शादी से होती है, जिसमें उसके डैड उसे समझाते हुए उसका हाथ दूल्हे के हाथ में देते हुए बोलते हैं कि प्लीज आज कोई कांड मत करना, मेरी इज्जत रख लेना। सारा अपना हाथ हमारे हैंडसम हीरो चैंग के हाथ से छुड़वा लेती है, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, या फिर कहीं तो उसकी बहन की शादी होने वाली थी। दोनों से पूछा जाता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मानते हो, दोनों हाँ बोलते हैं। फिर बारी आती है चुम्मा चाटे की, बोले तो मैरिज किस की। जैसे ही हीरो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, सारा तो उसे देखते ही चौंक जाती है कि अरे यार, ये तो वही लड़का है जिसके साथ मैंने कल नाइट स्पेंड की थी। ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ था जानने के लिए कहानी में एक दिन का रिवर्स गियर मारते हैं। सारा अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, क्योंकि उसने आज अपने बॉयफ्रेंड को अपने स्कूल के फ्रेंड शू के साथ में एक होटल में रंगे हाथों जो पकड़ लिया था। सारा बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो वॉशरूम ढूंढते हुए गलती से चैंग के रूम में घुस जाती है, जहाँ चैंग भी होता है। चैंग उसे सारा की बहन शिन समझ लेता है, लेकिन सारा नशे के हाल में उसके साथ में कुछ न कुछ करने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसे होश आता है, वो चैंग को नहाता देखकर वहाँ से 9-11 होने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन तभी चैंग उसे रुकते ही पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग, मैडम आप कहाँ जा रही हैं, और ऐसे छुपते छुपाते हुए। सारा उसे बिना जवाब दिए मारकर वहाँ से भाग आती है। वो आई रही होती है कि उसके डैड उसको फोन पे बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी बहन शादी से पहले घर से भाग गई है, क्योंकि उसे ये शादी नहीं करनी थी। सारा ये सुनते ही जल्दी से घर पहुँचती है, जहाँ उसके डैड बोलते हैं कि शादी में बस 2 घंटे ही बचे हुए हैं, और अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। सारा की माँ उसे शादी करने को कहती है, क्योंकि वो दोनों बहनें ट्विंस थी, बोले तो सेम कॉपी थी, क्योंकि उन्होंने चैंग की फैमिली को बता कर रखा था कि सारा फॉरेन कंट्री में रहती है, जिससे कि किसी को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं हो पाएगी कि वो सारा है या शिन है। सारा पहले तो शादी से मना कर रही होती है, लेकिन डैड फिर उसे एक इमोशनल डैमेज देने लग जाते हैं कि हमने आज तक तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, और तुम हमारे लिए सिर्फ शादी भी नहीं कर सकती, जिससे कि सारा भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके लिए की हुई सारी चीजें गिनवाने जो लग गए थे। सारा की बेस्ट फ्रेंड रोज उसे तैयार करते हुए समझा रही होती है कि जब तुम्हारी बहन मिल जाएगी ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी की पहली नाइट पर ही सारा को काफी डर लग रहा होता है कि वो अपनी बहन के हस्बैंड के साथ नहीं सो पाएगी, जहाँ तभी चैंग रूम में एंटर हो जाता है। सारा झूठ बोलने लग जाती है कि उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो चैंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। नेक्स्ट डे चैंग उससे देखने के लिए टच करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सारा तो दर्द का बहाना बनाने लग जाती है और पीछे हट जाती है, जिससे कि चैंग फिर से वहाँ से ये बोलकर निकल जाता है कि तुम हमेशा ही मुझे गलत क्यों समझती हो। जहाँ हमारे झल्ली हीरोइन को लग रहा था कि शायद मुसीबत टल चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। चैंग थोड़ी देर में कॉफी लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है, ये देख कर तो सारा को बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है, लेकिन ऐसे कैसे, उसे तो चैंग से लड़ना था ना, वरना वो उसे दूर नहीं जाएगा बल्कि और उसके पास आ जाएगा, और इसलिए बिना बात के ही सारा उस पे काफी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद कहानी में एंट्री होती है हमारी खूबसूरत विलन की, जिसका नाम जोई है, जो कि चैंग की कंपनी की मॉडल है। जोई रिपोर्टर्स को बता रही होती है कि वो पहले चैंग के साथ में रिलेशनशिप में थी, लेकिन शिन जो कि अब उसकी वाइफ बन चुकी है, उसके कारण वो साथ में नहीं रह पाए। वहीं चैंग शिन के नंबर पे कॉल कर रहा होता है, जो कि नहीं लगता लगे कभी कैसे, क्योंकि वो तो भाग चुकी थी। लेकिन अचानक से चैंग को रास्ते में ही एक रेस्टोरेंट में सारा अपने दोस्तों के साथ में दिख जाती है। चैंग उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो। सारा उसे बोलती है कि उसका नंबर बंद है। वहीं अचानक से शू की नजर सारा के फोन के कवर पर पड़ जाती है और उसे ये पता चल जाता है कि वो शिन नहीं बल्कि सारा है। नेक्स्ट डे चैंग को न्यूज मिलती है कि जोई ने उसके और चैंग के रिलेशनशिप के बारे में फेक न्यूज फैलाई है, जिसके बाद चैंग अपने सेक्रेटरी को ये सब कुछ रोकने के लिए बोलता है फोन करके। जैसे ही चैंग फिर जोई से इन सब के बारे में पूछता है, वो तो उसे ऐसे देख रही होती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, चंट कहेंगी।
चैंग उसे लास्ट वार्निंग देते हुए वहाँ से जाने लग जाता है कि अगर नौकरी प्यारी है तो काम पर फोकस करो, लेकिन वह कहाँ ही सुनने वाली थी। वहीं जब सारा को ये न्यूज मिल जाती है तो उसे चैंग से लड़कर घर जाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि ऐसे ही मौके का तो वो भी इंतजार कर रही थी ना। जैसे ही चैंग घर पहुंचता है सारा उसे लड़ने के लिए उसके पास जा रही होती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है जिससे कि उसकी सीधा चैंग के ऊपर ही क्रैश लैंडिंग हो जाती है। उनके बीच में किस हो जाती है। सारा फटाक से उठकर उसे दूर बैठ जाती है। चैंग उसे समझाने लग जाता है कि मेरी और सोई के बीच में कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ फेक है। लेकिन सारा उसे ये बोलकर वहां से जाने लग जाती है कि जब तक ये सब कुछ सेटल नहीं हो जाता मैं अपने डैड के घर पर ही रहूंगी, और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे चैंग सेक्रेटरी को वो न्यूज जल्द से जल्द हटाने के लिए बोलता है, साथ ही अपनी वाइफ को मनाने के लिए उससे एडवाइस भी मांग रहा होता है, जहां सेक्रेटरी उसे फिर कुछ फ्री एडवाइस देने लग जाता है। वेल तो नेक्स्ट डे चैंग सारा के लिए गिफ्ट लेकर जाता है और उसे कंपनी में डिजाइनिंग का काम देने का ऑफर करने लग जाता है। सारा को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये तो उसकी बहन की पसंद थी यानी शिन की, लेकिन सारा काम के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोई चैंग से मिलती है क्योंकि चैंग ने उसके सारे काम रुकवा जो दिए थे। वो उसे इसका जवाब मांग रही होती है। चैंग बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि ये न्यूज तुमने ही फैलाई थी। जोई भी अपनी सारी गलती मानने लग जाती है, उसे सॉरी बोलते हुए कहती है, मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार जो करती हूँ, और मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। चैंग भी बोलने लग जाता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सारा रोज से मिलने के लिए जाती है, उसे बताती है कि चैंग उसकी बहन यानी कि शिन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, ना कि मुझसे, और इसलिए मैं हमेशा उसे अपने से दूर रखने के लिए बहाने ढूंढती रहती हूँ और उससे भागती रहती हूँ। जान पूछ के उसके लिए ऐसा खाना बनाती हूँ जो कि जानवर भी खाना पसंद ना करें। सीन शिफ्ट होता है, चैंग को दिखाया जाता है जो सारा के नजदीक जाते हुए उससे बोल रहा होता है कि हमारी शादी हो चुकी है फिर भी तुम मुझसे दूर दूर क्यों भागती रहती हो। सारा उसे बिना कुछ बोले ही रसोई में भाग जाती है। फटाक से चैंग को लाकर वो पानी देने लग जाती है जिसमें उसने ऑलरेडी नींद की दवाई मिलाई हुई थी। जैसे ही वो तीन गिनती है वो अपने आप ही बेड पर गिर जाती है क्योंकि वो पानी चैंग की जगह उसने खुद पी लिया होता है। सिली गर्ल। नेक्स्ट डे सारा कहीं जा रही होती है जहाँ जोई के फैंस आकर उस पर काफी सारी चीजें फेंकने लग जाते हैं, लेकिन तभी हमारा हैंडसम हीरो आकर अपना छाता खोलकर सारा को बचा लेता है, जिस पर सारा बोलती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। चैंग उसे गले लगाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें घर पे बहुत ढूंढा, तुम वहाँ नहीं थी और इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुँच गया। नेक्स्ट सीन में सारा अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिसमें वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, फिर शू से भी टकरा जाती है। शू मौका पाकर ही सारा की सच्चाई सबको बताने के लिए उसका फोन छीन लेती है। वहीं सारा का फ्रेंड फैंग उसे कार में घर ले जाने लगता है कि तभी चैंग उसे आकर जोर का मुक्का मार देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो सारा के साथ कुछ गलत करने वाला है, और अपनी वाइफ को उठाकर घर ले आता है जहाँ सारा काफी ज्यादा उसी के ऊपर विलचर कर देती है, जिसके चलते चांग को फिर उसके कपड़े ही चेंज करने पर जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सारा उठकर अपने क्लोथ्स देखती है वो चांग से पूछती है, तुमने मेरे कपड़े क्यों बदले। चांग बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और इसलिए शर्म की तो कोई बात ही नहीं है, और अब से तुम ड्रिंक करने के लिए बाहर नहीं जाओगी। नेक्स्ट डे सोई चैंग को डिनर पर चलने के लिए कहती है, साथ ही बोलती है कि मैं सारा से माफी मांगना चाहती हूँ जो भी फेक न्यूज फैली थी उसकी वजह से, और वही हमें पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड शू भी वहीं पर आ रही होती है। चैंग भी फिर जाने के लिए मान ही जाता है। जैसे ही चैंग सारा को लेकर वहाँ पे पहुँचता है हमारी झल्ली हीरोइन को तो यही लग रहा था कि वो उसे डेट पर लेकर आया हुआ है, लेकिन जोई और शू को देखकर उसका पूरा का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। जासू स्टाइल में सारा के सामने बैठते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं छीना, बल्कि वो तो खुद ही मेरे पास आया था, और इसलिए मुझसे नाराज होकर तुमने चैंग से शादी कर ली। जोई उसके बातों पे चौंकते हुए बोलती है कि इसका मतलब तुम शिन नहीं बल्कि सारा हो, उसकी बहन, और अगर ऐसा है तो फिर उसका कोई प्रूफ तो होगा ही। जहाँ पर तभी शू सारा का फोन सबके सामने रखते हुए बोलती है कि ये वही कवर है जो मैंने सारा को दिया था, लेकिन सारा यहाँ पर तभी बात को पलटते हुए और बहाना मारते हुए बोलती है कि ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने इसे सारा से ले लिया था, मैं शिन ही हूँ। लेकिन शू कहाँ हार मानने वाली थी, वो सारा के नंबर पर फोन करने लग जाती है लेकिन उसका नंबर तो लगता ही नहीं है, जिसके बाद जैसे ही चैंग शिन के नंबर पे कॉल करता है तो वो लग जाता है। और गाइस यहाँ पे हमें फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि ये सब कुछ रोज ने ही प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। रोज ने ही शिन का नंबर सारा के फोन में डाल दिया था ढूंढ कर, जिससे कि सारा कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो वो बच जाए।
ये सब कुछ जानकर चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो जोई और शू को लास्ट वार्निंग देकर अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाता है। लेकिन घर जाते टाइम वो उससे उसकी बहन के बारे में पूछने लग जाता है क्योंकि वो तो उनकी शादी पर भी नहीं आई थी। लेकिन वो कहाँ ही जानता था कि ये तो सारा ही है, बेचारा हमारा हीरो, उसे तो धोखे में रखा जा रहा था। नेक्स्ट डे चैंग सारा को ऑफिस में लाकर सबसे मिलवा रहा होता है, लेकिन जोई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो चैंग से पूछने लग जाती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, जिसे चैंग को फिर से गुस्सा आता है और वो उसे अपने काम से काम रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। जोई वहाँ से जा रही होती है कि तभी सारा आकर बोलती है कि वैसे मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन चैंग से दूर रहना। जोई को काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है और बोलती है कि चैंग तो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। जहाँ तभी सारा उसके सामने ही चैंग से कॉफी मंगवाने लग जाती है और ये देखकर तो सोई और भी ज्यादा जल जाती है क्योंकि चैंग ने किसी के लिए भी कोई काम नहीं किया था बट सारा के लिए कर रहा था, जिसके बाद वो उसे लंच के लिए ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो सारा का एक्स बॉयफ्रेंड ली वहाँ पर पहुँच जाता है, उसे काफी धमकाने लग जाता है और उसे धमकाते हुए बोलता है कि मुझे बहुत सारे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारे हस्बैंड को सब कुछ सच सच बता दूंगा, जिसके लिए फिर ना जाते हुए भी सारा को मानना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लग जाता है अचानक से चैंग उसे मिल जाता है और ये जानने के बाद कि वह सारा का एक्स बॉयफ्रेंड ली है, चैंग को भी अब सू और जोई की बातों पर शक होने लग जाता है कि जो उसकी अभी वाइफ है वो कहीं सच में सारा ही तो नहीं है। सच जानने के लिए चैंग सारा के सामने शिन का फेवरेट सॉन्ग लगाने लगता है जो कि सारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जिससे कि वह समझ आता है कि ये शिन नहीं बल्कि सारा है। सच जाने के बाद चैंग का रिएक्शन क्या होगा? सच जाने के बाद पहले थोड़ा गुस्सा तो आता है उसे, लेकिन वो सारा के साथ में बिताए हुए सारे अच्छे अच्छे पलों को याद करने लग जाता है जो कि काफी खूबसूरत थे उसके लिए। यही सब कुछ सोचते सोचते वो एक गाड़ी के आगे बस आने वाला होता है, लेकिन तभी उसे हमारी हीरोइन बचा लेती है, जिससे कि उसे थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। चैंग उसे घर आकर दवा लगाने लग जाता है। नेक्स्ट डे चैंग बहुत ज्यादा दुख में होता है कि उसकी शादी शिन से नहीं बल्कि सारा से हुई है, उसे बहुत बड़ा धोखा मिला है। अपनी सेक्रेटरी के साथ में ड्रिंक कर लेता है और वहीं पर सारा चैंग के लिए डिनर रेडी कर उसका वेट कर रही थी। रास्ते में जाते टाइम जोई ने भी चैंग को सेक्रेटरी के साथ में होटल ले जाते हुए उसे देख लिया था, जिसके बाद चंट जोई सेक्रेटरी के जाते ही चैंग के साथ में अपनी फोटोज क्लिक करने लग जाती है। जैसे ही चैंग घर पहुंचता है जहाँ उसके सर में काफी दर्द हो रहा होता है, वो सो जाता है। सारा उसका ध्यान रखने लग जाती है लेकिन वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है क्योंकि काफी दुखी जो था हमारा हीरो। चैंग का ध्यान रखते रखते वो भी वहीं पर सो गई थी। थोड़ी देर बाद चैंग उसे छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट डे चैंग जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तो रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं क्योंकि उनको चैंग की जोई के साथ वाली फोटोज जो मिल गई थी, जो कि इस बार भी जोई ने ही वायरल की थी। चैंग अपने सेक्रेटरी से लास्ट नाइट के बारे में पूछता है, जहां वो बताता है कि मैं और जोई आपको होटल लेकर गए थे, लेकिन वो ऐसा कुछ करने वाली है, मैं इसके बारे में नहीं जानता था वरना मैं भी वहीं पर आपके साथ ही रुक जाता। चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो जोई को कंपनी से निकालने की बात करता है। वहीं उसके अंदर अब सारा को भी कुछ समझाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि ये न्यूज काफी ज्यादा फैल चुकी थी। नेक्स्ट डे जोई सारा को कहने लग जाती है कि चैंग को तुम्हारा सच पता लग गया है और वो तुम्हें डिवोर्स देने वाला है। ये सुनते ही वो चैंग से इसका जवाब मांगती है, बोलती है कि तो मिस्टर चैंग, आप मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकाल कर कब फेंकने वाले हैं? चैंग बोलता है कि जब तुम्हारी फैमिली मुझे धोखे का जवाब देगी तब। सारा भी उस पर इल्जाम लगाते हुए बोलती है कि धोखेबाज तो तुम भी हो ना, जोई के साथ में रिलेशनशिप में थे और इतना बड़ा धोखा तुमने दिया, जिस पर चैंग चुपचाप खड़ा रहता है। सीन शिफ्ट होता है, सारा अपने डैड के घर पहुंच चुकी थी। सारा का सच चैंग जान चुका है, ये सुनकर डैड की तो तबीयत ही खराब हो जाती है। डैड उसे चैंग के घर जाने के लिए कहते हैं ताकि उनके कंपनी के हालात थोड़े सुधर सकें। जिसके बाद चैंग सारा को फोन करके उसकी वाइफ की तरह से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बोलता है। सारा भी अपने डैड के लिए चैंग की बात मानते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती है, जहां चैंग सबके सामने बोलने लग जाता है कि जोई के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, ये सारी फेक न्यूज है और मैं इसकी पूरी जांच करूंगा और अपनी फैमिली और अपने बिजनेस पर इसकी वजह से कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। रिपोर्टर उसे पूछता है कि क्या आप सबके सामने अपनी वाइफ से कुछ कहना चाहेंगे, जहां चैंग बोलता है मुझे अपनी वाइफ को देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया था और मैं उसका हमेशा ही ध्यान रखूंगा। ये सुनते ही सारा भी फिर उसे किस कर लेती है, साथ ही उसे सॉरी बोलते हुए माफी मांगने लग जाती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कंपनी को डिजाइनिंग कंपटीशन में फर्स्ट लेके आने में हेल्प करूंगी। चैंग भी उसके पास आते हुए धीरे से बोलता है ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा।
सीन शिफ्ट होता है और लिया के सारा को बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाता है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दे, लेकिन सारा उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चली जाती है। जोई सबके सामने अपनी फेक प्रेगनेंसी की न्यूज वायरल करवाने लग जाती है क्योंकि चैंग ने उसे कंपनी से निकाल जो दिया था। भगवान बचाए ऐसी लड़कियों से, कितनी चंट है, कोई मौका नहीं छोड़ रही है। चैंग भी ये न्यूज देखकर समझ चुका था कि पक्का ये जोई की कोई नई चाल है, लेकिन इसे सारा को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो सारा को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो तो अपने कैबिन में ही नहीं थी और अपने दोस्त के साथ में ड्रिंक कर रही होती है, जिससे कि मैडम दोबारा से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फैंग उसे फिर से घर छोड़ने के लिए जाने लग जाता है, लेकिन हमारी झल्ली हीरोइन तो काफी ज्यादा नशे में होती है और हमारे हीरो की बुराई कर रही होती है उसके सामने। बोलती है कि उसने मुझे धोखा दिया है, वो जोई के साथ में है, जहाँ चैंग आकर उसे घर ले जाने लग जाता है, लेकिन सारा उसके साथ जाने में नाटक कर रही होती है और उसे बहुत ज्यादा डांटने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, जाके उसे संभालो। चैंग उसे समझाता है कि ये सब कुछ सच नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। सारा उससे ये कहते हुए चली जाती है, तुम्हें भी अपनी वाइफ सारा पे भरोसा करना चाहिए, न कि किसी और पे। नेक्स्ट डे सारा फैंग के पास जाकर उसे जोई का राज पता करने के लिए भेजती है, जिससे कि वो फटाक से जोई के पास में चला जाता है और उसे कंपनी में काम करने का ऑफर देने लग गया था, जिसके लिए उसे अपने डॉक्यूमेंट और हेल्थ स्टेटस लेकर फैंग की कंपनी में जाना था, जिसमें हमारी जोई मैडम भी फंस जाती हैं। डॉक्टर के पास जाकर फेक प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट को बदलवाने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसे एक अच्छी जॉब जो चाहिए थी। जहाँ तभी सारा आकर उस डॉक्टर को पकड़वा देती है और वहीं चैंग सबके सामने जोई की फेक प्रेगनेंसी वाली न्यूज के राज को बता देता है। सीन शिफ्ट होता है, सारा को काम में बहुत लेट हो जाता है क्योंकि वो अभी तक ऑफिस नहीं आई थी और इसलिए चैंग उसे फोन करने लग जाता है, लेकिन फोन चैंग के डैड का सेक्रेटरी उठाता है, बोलता है कि सर ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनते ही वो फटाक से डैड के घर के लिए निकल जाता है। वहीं चैंग के डैड सारा को जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें और हमारी फैमिली को धोखा देने की। जहाँ पर तभी चैंग पहुँच जाता है, डैड बोलते हैं कि ये तुम्हारी शिन नहीं है बल्कि उसकी बहन सारा है, धोखेबाज कहीं की। चैंग बोलता है कि ये सब कुछ मैं पहले से जानता हूँ और सारा ने हमारे साथ में एक डील की है कि वो हमें इस डिजाइनिंग कंपटीशन में फर्स्ट आने में मदद करने वाली है, जिसके बाद वो सारा को वहाँ से लेकर अपने घर जा रहा होता है, लेकिन वो रास्ते में ही उतर कर वहाँ से ऑफिस चली जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से वो बेहोश हो गई थी। जैसे ही उसे हॉस्पिटल में होश आता है, फैंग उसके पास में होता है। सारा सबसे पहले चैंग के बारे में पूछती है, लेकिन फैंग बोलता है कि वो तो तुम्हें मिलने भी नहीं आया। लेकिन हमारा हैंडसम हीरो ये देखकर कि उसकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, दूर से ही चला जाता है, जिसके बाद वो फैंग को उठवा लेता है और उससे सारा और उसके बीच का रिश्ता पूछने लग जाता है। जरा सो रहा था हमारा हीरो। फैंग बोलता है कि हम बस अच्छे दोस्त हैं और हाँ, तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें सच में शिन से पहली नजर में प्यार हुआ था तो 2 साल पहले जिसे तुमने डिजाइनिंग कंपटीशन में देखा था वो शिन नहीं बल्कि सारा ही थी, जो कि अभी तुम्हारी वाइफ है, क्योंकि शिन ने अपनी बहन सारा को अपनी जगह पर भेज दिया था। ये सुनते ही चैंग फटाक से सारा से मिलने के लिए भागता है। सारा उसे पूछते कि मैं जानती हूँ कि जैसे ही कंपटीशन फिनिश हो जाएगा तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे ना। चैंग बोलता है कि नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार जो करता हूँ। सारा उसे इस बार फिर से बोलकर चली जाती है, मुझसे या फिर मेरी बहन शिन से। नेक्स्ट सीन में चैंग अपने डैड के साथ में होता है, उन्हें बोलने लग जाता है कि मैं सारा को डिवोर्स नहीं दूंगा और उसके बाद सारा को मनाने लगता है और उसे मनाते हुए गलती से सारा को बचाने के चक्कर में चैंग को चोट लग जाती है। सारा जब उसे दवा लगा रही होती है तो वो नाटक करने लग जाता है, ड्रामेबाज कहेगा, जैसे कि जनाब का 2-4 लीटर खून बह गया हो। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, कंपटीशन का दिन आ चुका था, लेकिन सारा वहाँ पर बेहोश हो जाती है, जहाँ डॉक्टर बताने लग जाते हैं कि सुबह के ब्रेकफास्ट के चक्कर में उसे कुछ ना कुछ तो एलर्जी हो गई है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ किया धारा किसी और का नहीं बल्कि जोई और शू का था। चैंग उसे हॉस्पिटल लेकर गया हुआ होता है, जिसके पीछे शू सबको सारा की सच्चाई बता देती है। जैसे सारा को होश आता है वो चैंग को इसके बारे में पूछती है, जहाँ चैंग बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही हॉस्पिटल के बाहर सारे रिपोर्टर्स चैंग से पूछने लग जाते हैं कि क्या आप सच में सारा के साथ रिश्ते को खत्म कर लेंगे। चैंग उन सबको हाँ में जवाब देता है। जहाँ तभी भीड़ में सेक्रेटरी चैंग को एक बुके देने लग जाता है, जिसे देते हुए चैंग सारा को प्रपोज करते हुए बोलता है कि शिन को डिवोर्स देकर वो फिर से सारा से शादी करेगा, जिसके लिए सारा भी मान जाती है। और यही ये न्यूज जोई और शू तक भी पहुंच गई थी, जिनका ये देखकर काफी बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि भाई उन्होंने सारा और चैंग को अलग अलग करने की काफी नाकाम कोशिशें जो की थी।
लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार कभी भी खत्म नहीं होता, जो कि दो प्यार करने वालों को साथ में ले ही आता है। और दोस्तों, इस तरह से सू और जोई की साजिशों और षड्यंत्र के आगे सारा और चैंग का प्यार जीत जाता है। सो गाइस, यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो भी इस ड्रामा में हुआ था, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है? और अगर हाँ, तो हम सब के साथ में कमेंट में जरूर शेयर करना। साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं।